हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दे डाला। सारे देश में लगे घूमने कि कांग्रेस के अंदर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, इनको नेशनल प्रेसिडेंट अच्छा सा मिल जाए। ढूंढते ढूंढते 3 महीने बता दिए और 3 महीने बाद कौन बढ़ा? सोनिया गांधी। फिर वही गांधी परिवार के खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। बयान पर बवाल मचा है। अब कांग्रेस ने सीएम से माफी मांगने को कहा है। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री, इतनी तो उम्मीद की ही जाती है कि मर्यादा में रहकर बोलेंगे, लेकिन सियासी गर्मी में जुबान फिर धोखा दे गई। इस बार तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल गए जिससे वह खुद गिर गए। आप भी देखें कि उन्होंने चुनावी रैली में क्या कुछ कहा। सारे देश में लगे घूमने कि कांग्रेस के अंदर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, इनको नेशनल प्रेसिडेंट अच्छा सा मिल जाए। ढूंढते ढूंढते 3 महीने बता दिए और 3 महीने बाद कौन बढ़ा? सोनिया गांधी। फिर वही गांधी परिवार के खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। सोनिया के खिलाफ अभद्र बोल से कांग्रेस तिलमिला गई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल रही कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री से माफी की मांग की। हरी समाज आपको इन चीजों के लिए, इस तरह की बातों के लिए, इस तरह की अभद्र भाषा के लिए कभी माफ नहीं करेगा। केवल सोनिया जी की बात नहीं, सोनिया जी का व्यक्तित्व माननीय मनोहर लाल जी बहुत ऊंचा है। वो ऐसी महिला है जिन्होंने बड़े से बड़ी सैक्रिफाइस की भी है, देखी भी। मनोहर लाल पहली बार अपने बयान के कारण विवादों में नहीं आए। इससे पहले भी वह इस तरह के बयान दे चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनका बयान उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा होता है या फिर सियासी जंग में जुबान बेकाबू हो जाती है।